डियर स्टूडेंट्स इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सोशल ग्रुप्स सोशल ग्रुप की जब हम बात करते हैं ग्रुप बिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो हमें ये नज़र आएगा कि इट्स अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सोशोलॉजी एंड इट्स सब्जेक्ट मैटर दो या दो से ज़्यादा लोगों का आपस में जो ताल्लुक है जो इंटरेक्शन है जो उनके प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हैं जो उनकी बिहेवियरल रिफ्लेक्शंस हैं वो सोशल ग्रुप कंस्ट्रक्ट करती हैं ग्रुप जो हैं वो अमूमन दो तरह के होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप प्राइमरी ग्रुप्स आर स्मॉल इंटीमेट एंड इंड्यूरिंग विद स्ट्रॉग इमोशनल टाइज अमंग ग्रुप मेंबर्स। प्राइमरी ग्रुप्स जो हैं वो रिलेटिवली छोटे होते हैं लेकिन आपस में बड़े गहरे ताल्लुक रखते हैं और इनके दरम्यान इमोशनल टाइज या इमोशनल रिलेशनशिप्स होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिलीज़ क्लोज फ्रेंड्स एंड पेयर ग्रुप तो ये सारे प्राइमरी ग्रुप का हिस्सा होते हैं इसी तरह से जो सेकेंडरी ग्रुप्स हैं दीज़ आर लार्जर मोर फॉर्मल एंड मोर टास्क ओरिएंटेड विद वीकर इमोशनल टाइज अमंग ग्रुप मेंबर्स सेकेंडरी ग्रुप्स जो हैं ये जैसे हमने प्राइमरी ग्रुप में देखा कि वहाँ पे इमोशन बेस्ड रिलेशनशिप्स होते हैं और छोटे ग्रुप्स होते हैं जबकि सेकेंडरी ग्रुप्स जो हैं ये नस्बता काफ़ी बड़े होते हैं इनमें मेंबर्स की तादाद ज़्यादा हो सकती है और ये ज़्यादातर फॉर्मल रिलेशनशिप्स का हिस्सा होते हैं जिनमें जो रिलेशनशिप्स या तलुक की बुनियाद होती है वो टास्क होती है यानी किसी स्पेसिफ़िक टास्क को अचीव करने के लिए बनते हैं ना कि इमोशंस बेस्ड होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सेकेंडरी ग्रुप्स कैन इंक्लूड स्कूल क्लासेस वर्क ग्रुप्स स्पोर्ट्स टीम मेंबर्स एंड डिफरेंट सोशल क्लब्स और डिफरेंट सोशल मूवमेंट्स जैसे uh, आपके यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी के जो भी फैलोज हैं आपके ये सारे एक सेकेंडरी ग्रुप का हिस्सा हैं प्राइमरी ग्रुप्स आर ऑफन द सोर्स ऑफ आवर मोस्ट पर्सनल एंड प्रोफ़ाउंड एक्सपीरियंसिस वाइल सेकेंडरी ग्रुप्स आर मोर फोकस्ड ऑन अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। प्राइमरी ग्रुप को और सेकेंडरी ग्रुप को हम क्यों समझते हैं इनको जानना क्यों ज़रूरी होता है क्योंकि हम जब ह्यूमन इंट्रैक्शन की बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं तो ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको इसके सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस हैं प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी ग्रुप्स तो ग्रुप एक्टिविटी चूँकि इंटरेक्शनल प्रोसेस में होती है और बिहेवियरल रिफ्लेक्शन होती है दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स का आपस में किसी भी इंटरेक्शनल प्रोसेस में इंगेज होना जो है वो ग्रुप एक्टिविटी को रिफ़्लेक्ट करता है हाँ इनको समझने के लिए इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इनको दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिवाइड करते हैं तो प्राइमरी ग्रुप में जो इमोशन बेस्ड रिलेशनशिप्स होते हैं उनको समझने का एक डिफरेंट तरीका है डिफरेंट प्रोसेस है और सेकेंडरी ग्रुप जो है जो फॉर्मल होते हैं टास्क ओरिएंटेड होते हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं शायद रिलेटिवली ट्प्रे होते हैं नस्पतान प्राइमरी ग्रुप्स के क्योंकि प्राइमरी ग्रुप्स रिलेटिवली परमानेंट होते हैं तो इस वजह से भी इनको इन दो क्लासिफिकेशंस, दो कैटेगरीज़ के अंदर क्लासिफाई किया जाता है